सो कल चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, सारे पतित लोगों पर कृपा करने के लिए। और जैसे जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है ना, ऐसे ही आज जगन्नाथ मिश्र और शची माता और सारे नवद्वीप के लोग मिलके भगवान का स्वागत कर रहे हैं। हाँ, सब लोग मंत्र मुक्त हैं भगवान का अद्भुत सौंदर्य देख के, नहीं? और अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी, शिवास पंडित, मालती देवी, जितने भी नवद्वीप के निवासी हैं, विशेष रूप से जो भक्त हैं, और सारे देवी देवता, सारे मनुष्य रूप में भगवान के दर्शन करने आए और भगवान के लिए तरह तरह की गिफ्ट लेके आए, है ना। और सबने भगवान को आशीर्वाद दिया। भगवान को आशीर्वाद देने का भी सौभाग्य किसको मिलेगा, नहीं? हम लोग सोच भी नहीं सकते। सो ये चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत कृपा है कि वो भक्तों से आशीर्वाद ग्रहण कर लेते हैं, नहीं? सो हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने पूरा जीवन अपने आप को बचपन में तो बहुत ही उदंड बालक के रूप में दिखाया, और फिर जब उचित समय आने पर ईश्वरापुरी श्रीपाद से मिलने के बाद उन्होंने जब भक्ति भाव प्रकट किया, तो उन्होंने हमेशा अपने आप को एक भक्त के रूप में ही दिखाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कृष्ण हूँ, है ना? हमेशा प्रच्छन्न भाव, हमेशा छुपे रहे चैतन्य महाप्रभु। कभी ये पता नहीं लगने दिया लोगों को कि और कभी कोई उनको कहता था कि आप कृष्ण हो, तो चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथों से अपने कान ढक लेते थे, बोलते थे विष्णु विष्णु क्या बोल रहे हो, इतनी गलत बात बोल रहे हो। लेकिन कई बार ऐसा अवसर आया जब चैतन्य महाप्रभु ने सारी सावधानी एक तरफ रख दी और अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने अपने योगेश्वर, अपने महा ऐश्वर्य को प्रकट किया, भगवान तत्व को प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु ने। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं मुरारी गुप्त। हाँ, भक्तों के लिए कभी थे शब्द नहीं लगाना चाहिए, नहीं? क्योंकि जिस प्रकार भगवान नित्य हैं, इसी प्रकार भगवान के भक्त भी नित्य हैं, सनातन हैं। और जिस प्रकार भगवान सदैव नित्य उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार भगवत कथा में भी भगवान के भक्त सदैव विराजमान रहते हैं, सदैव उपस्थित रहते हैं और भगवत कथा का आस्वादन करते हैं। हाँ, यमराज जी को संयमी कहा जाता है, बहुत ही संयम का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में यम दंड है। हाँ, सही गलत का फैसला करने की सेवा है उनके पास, लेकिन जब गौर कथा होती है तो यमदंड फेंक के यमराज जी भी बेसुध होकर नृत्य करते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई पर कृपा की और उनको गले लगा लिया, उनको सारे पाप खींच लिए, तो
गौर वर्ण से श्याम वर्ण हो गए चैतन्य महाप्रभु। नहीं तो यमराज इसको देखकर बिल्कुल बेसुध हो गए एकदम और बिल्कुल जोर जोर से नाचना शुरू कर दिया, धरती पर लूटना शुरू कर दिया, चित्रगुप्त की बही फाड़ के फेंक दी। यार बेकार है, फाड़ो इसको। हाँ, जिसने एक बार चैतन्य महाप्रभु का नाम ले लिया, जिसने एक बार चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर लिए, उसके लिए कौन सा बही खाता है, क्या कर्म बंधन क्या करेगा, उसके लिए कुछ फायदा नहीं है ऐसे बही खाते रखने का। फाड़ के फेंक दे, जब जगाई मधाई को पाप मुक्त कर दिया तो फिर बही खाते रखने का फायदा ही क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु का चरित्र ऐसा है कि यमराज भी बेसुध हो जाते हैं। सो मुरारी गुप्त जो कि स्वयं हनुमान है, सो आप मायापुर जाएंगे तो जो चंद्रोदय मंदिर है वहाँ से आप योगपीठ की ओर जाएंगे, जहाँ पर चैतन्य मठ है और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, प्राकट्य स्थल है। उसके पीछे अंदर खेतों में जाके मुरारी गुप्त जी का निवास स्थान आता है। वो मुरारी गुप्त जो है वो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, है ना। और एक बार चैतन्य महाप्रभु गए, और पेशे से वैद्य है मुरारी गुप्त, वह चैतन्य महाप्रभु उनके घर गए तो वराह रूप में आ गए, वराह भावावेश में आ गए और एकदम कूद के मुरारी गुप्त के कंधों पे चढ़ गए चैतन्य महाप्रभु। और जो भगवान विष्णु के दरबार में, राम दरबार में आप आज भी जाएंगे तो वहाँ पर राम दरबार बना हुआ है, एक संगमरमर का चबूतरा है। हाँ, चबूतरे के ऊपर ऑल्टर बना हुआ है, वो ऑल्टर को जो उसमें राम दरबार स्थापित है ना। सो सो वहाँ पर लोटा रखा हुआ था, तो वो लोटे को चैतन्य महाप्रभु ने पृथ्वी का रूप दिया। हाँ, और उस लोटे को चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो दांत हैं, वराह रूपी जो दांत थे, उस पर धारण किया। और चैतन्य महाप्रभु और मुरारी गुप्त दोनों ने मिलकर बहुत देर डांस किया उन्होंने मिलकर। हाँ, ऐसी एक बार महाप्रभु जो है वो नरसिंह भावावेश में आ गए थे। हाँ, और बहुत ही तेज हुंकार करते हुए नरसिंह रूप में बाहर आए। हाँ, बहुत ही क्रोधित थे। हाँ, बहुत ही क्रोधित थे क्योंकि हिरण्यकश्यपु को मारा था। नहीं तो बहुत ही क्रोधित थे, तो देख के सारे नवद्वीपवासी इधर उधर भाग गए। फिर चैतन्य महाप्रभु को बहुत शर्मिंदगी हुई, उन्होंने बोला मैंने बेकार में लोगों को डरा दिया तो भक्तों ने बोला जिसने भी आपका ये रूप देखा है, हाँ, वो कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। तो ऐसा नहीं कि आपने नवद्वीप के लोगों को, आपने लोगों को डराया, आपने उनके कर्म बंधन को काट दिया है। आप कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, है ना। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने से पहले जब उन्होंने कीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया था, तो एक बार वो शिवास पंडित के घर गए, तो मुरारी गुप्त का घर है, योगपीठ है, योगपीठ के बिल्कुल साथ में शिवास आंगन है, हाँ, जो कि शिवास पंडित का घर है। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन वहाँ गए और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही अद्भुत लीला का प्रदर्शन किया, और उस लीला को सप्त प्रहरीय लीला कहते हैं।
और उसको महाप्रकाश लीला भी कहा जाता है ना? आपने सुना होगा, नहीं? सप्त प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का है, तो सप्त प्रहर मतलब 21 घंटे। हाँ, और इस दौरान चैतन्य महाप्रभु जब शिवास पंडित के घर गए तो वो सीधा शिवास पंडित के घर में जो भगवान विष्णु का सिंहासन बना हुआ था, जिसने जिसे विष्णु खट कहते हैं। हाँ, भगवान विष्णु के सिंहासन के ऊपर जाकर विराजमान हो गए। और उन्होंने बोला, सारे भक्तों को इकट्ठा करो और सबको बोलो मेरी पूजा करें। और सारे भक्त, पता नहीं कैसे पता चल गया लोगों को, और सारे लोग इकट्ठे हो गए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अभिषेक करो मेरा। तो सबने मिलके चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, लाओ मुझे हस्त पासरी। चैतन्य महाप्रभु ने हाथ फैला के बोला, मुझे कुछ खिलाओ। और सैकड़ों घड़े पानी लेके आए, चैतन्य महाप्रभु सारा पी गए। खीर, मिश्री, नारियल के गूदे में शक्कर मिलाकर उनको दिया। हाँ, मुक्त मूंग की दाल दी उनको। हाँ, पपीता और सीताफल और अनेक प्रकार के पकवान उनको चैतन्य महाप्रभु को सामने रखे। चैतन्य महाप्रभु सब कुछ ग्रहण करके, जैसे भगवान कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था ना गोवर्धन लीला, सब चैतन्य महाप्रभु ग्रहण कर गए। और लेके आओ, और लेके आओ, हाथ फैलाकर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत की टीका में बताते हैं कि जो भक्त है, भक्त के हाथ से चैतन्य भगवान जो है वो छीन के खा जाते हैं। चाहे देखने में निकृष्ट वस्तु क्यों नहीं लगे। रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ से सड़े हुए चावल लेके खा गए चैतन्य महाप्रभु। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी, आप लोगों ने हो सकता है नाम कभी नहीं सुने हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। आप सुनेंगे, आपके कान में ये नाम जाएंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के झोली में से सूखे बेकार चिड़वे जो है चावल लेके चैतन्य महाप्रभु ने खाया। श्रीधर, कोला बेचा श्रीधर के टूटे हुए लोटे में से चैतन्य महाप्रभु ने जल पी लिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण को अगर यो में भक्त्या प्रच्छति, अगर कोई भक्ति से चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण को कुछ तुलसी दल, जल या फूल भी अर्पित करेगा, भगवान फूल भी खा जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान फूल सूंघते हैं, अश्नामी भगवान खा जाते हैं उसको। भगवान इतने भावावेश में आ जाते हैं अपने भक्त का भाव देख के, वो विचार नहीं करते कि सूंघना चाहिए कि खाना चाहिए। प्रेम से अगर अर्पित किया तो भगवान स्वादिष्ट पदार्थ तो खाएंगे, लेकिन फूल जैसी वस्तु भी, केले का छिलका भी खा जाते हैं भगवान। नहीं, विदुर के घर में केले का छिलका खा गए भगवान, नहीं? सब लोगों ने यथाशक्ति, सब लोग भागे बाहर, गांव में नगर नगर गए, सामान इकट्ठा करके लेके आए और चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाते रहे। नित्यानंद प्रभु छत्र लेके खड़े थे। कोई उनको चामर ढुला रहा था। आजकल छत्र पकड़ने की जिम्मेदारी सबसे छोटे भक्त को पकड़ाते हैं। कुछ काम नहीं है, चल बेटा छत्र पकड़ ले।
जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में झंडा लेके कौन चलता है? नित्यानंद प्रभु छत्र लेके खड़े हैं। और अगर आप गौर आरती देखो, गौर आरती में भक्तिनोद ठाकुर देख के बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु छत्र लेके खड़े हैं, अद्वैताचार्य चावर ढुला रहे हैं, सारे भक्त महाप्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। सो ऐसा नहीं है कि व्यास आसन पर बैठ कर ही सबसे बड़ी सेवा होगी चैतन्य महाप्रभु की, या कीर्तन लीड करके कि हाँ मैं कीर्तन सबसे मधुर मैं कीर्तन कर सकता हूँ, ऐसा सोच के भगवान की सबसे ज्यादा सेवा होगी। कुछ पीछे वो माता जी झाड़ू लगा रही है वो, और उस सेवा में और व्यास आसन पर बैठ के कृष्ण कथा करने में कुछ फर्क नहीं है, है ना? क्योंकि भगवान परम है, भगवान भेदभाव नहीं करते। भगवान हनुमान जी की सेवा और गिलहरी की सेवा में भेद नहीं करते, भगवान उसमें निहित जो भाव है उसको भगवान अंगीकार करते हैं, उसको महत्व देते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, है ना? सो चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला के दौरान अनेक भक्तों पर कृपा की। सो हम एक भक्त की बात करेंगे, ये चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बुलाया, बोला हरिदास ठाकुर सामने आओ। उन्होंने बोला कि मेरी स्तुति करो। कोई कह सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला मेरी स्तुति करो और मांगो मुझसे क्या चाहते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि मैं यवन हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो तुम्हारी जाति है वही मेरी जाति है, तुम्हारी जाति और मेरी जाति में कुछ भी फर्क नहीं है, हम दोनों की सेम जाति है, है ना? इस प्रकार जो भक्त है, भक्त और भगवान की जाति एक होती है। भगवान कृष्ण की जो जाति है वह अच्युत, गोत्र जो है अच्युत है, और जो भक्त है उनका गोत्र भी अच्युत गोत्र होता है ना? ऐसा नहीं कि कोई बोले मैं सिंगला हूँ, मैं मंगला हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं फलाना हूँ, भारद्वाज हूँ, अब बकवास है। हम सब का गोत्र अच्युत गोत्र है, हम सब चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के हम सब वंशज हैं, उनकी संतान है, इस बात को पहचानना। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं ममे वांश जीव लोके, जो भगवान की हम संतान है तो हम अपना गोत्र अलग क्यों बताएं? हमारा वही गोत्र है जो कृष्ण का गोत्र है, कृष्ण का गोत्र अच्युत है, इसीलिए हमारा गोत्र भी अच्युत है। हमारा कोई अलग से कुछ ना, हमारी अलग से कुछ पहचान है, ना ही हमारा अलग से कुछ गोत्र है, ना ही हमारे अलग से कुछ परिवार है, सब भगवान कृष्ण है, है ना? चिदानंदमय। सो हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे शरीर में मेरा वास है, जो तुम्हारी पूजा कर रहा है वो मेरी पूजा कर रहा है, है ना? और हमारे शास्त्र में कहा ही गया है कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम तदीय तदीया नाम समर्चनम तस्मात् परतरम देवी। हे पार्वती, ये शिवजी कह रहे हैं अपनी पत्नी को, हे पार्वती
विष्णु की आराधना सर्वोच्च है, लेकिन तस्मात पर तरम देवी, हे देवी इससे भी श्रेष्ठ आराधना किसकी? तदीय नाम, तदीय जो विष्णु की वस्तु है, हाँ, जो विष्णु की पादुका है, जो विष्णु का स्थान है, जो विष्णु जन है, वैष्णव है, तदीय, ये सब तदीय वस्तु है। सो तदीय नाम समर्चनम, समर्चनम जो विष्णु भक्त है, विष्णु की वस्तु है, वैष्णव है, वो उनकी आराधना विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है ना, तदीय नाम समर्चन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो तुम्हारी सेवा कर रहा है, जो तुम्हारी पूजा कर रहा है, वो मेरी पूजा कर रहा है, इसमें कुछ भेद नहीं है, है ना, इसमें कुछ भी भेद नहीं है। और याद करो कि जब यवन राजा ने तुम्हें पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था, और तुम्हें बोला कि तुम हरि नाम लेना बंद करो, कुरान का पाठ करो, तो तुमने कहा कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं हरि नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। और उस यवन राजा ने 22 बाजारों में तुम्हें कोड़ों से पिटवाया, और मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं वैकुंठ, मुझे चुभने लग गया, मुझे इतना क्रोध आया, मैंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया वहां से, पूरा राज्य नष्ट कर दो। लेकिन सुदर्शन चक्र काम नहीं कर पाया, विफल हो गया सुदर्शन चक्र। क्यों विफल हो गया? क्योंकि तुम प्रार्थना कर रहे थे कि हे कृष्णा प्लीज आप इनका भला करो, इनका कल्याण करो, ये जो मुझे मारने में जो इनको परिश्रम हो रहा है उससे इनका उद्धार करो, थक गए हैं ये मुझे मार मार कर, मेरे साथ और भी बुरा होना चाहिए था, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे, सो आप प्लीज इनका उद्धार करो। तो जब तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जब मेरा चक्र विफल कर दिया तुमने, और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं, तो मुझे आकर तुम्हारे शरीर को अपने शरीर से ढकना पड़ा, तो मैंने तुम्हारे शरीर को अपने शरीर से ढक दिया। तो जितने भी उन सैनिकों ने कोड़े मारे तुम्हें, वो मैंने अपनी पीठ पर सहे उसको, और बोला तुम्हें अगर विश्वास नहीं आता तो देख लो, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ दिखाई, वो एकदम कोड़े के निशानों से पूरी क्षत विक्षत पीठ थी, ऐसी कोई एक बिंदु भी नहीं था जहां पर कोड़े का निशान नहीं हो। और हरिदास ठाकुर ये देखकर अचेत हो गए, उन्होंने बोला कि मतलब आप कैसे, आप मतलब मेरे तो कर्म है, मैं तो अपने कर्म भोग रहा हूं, आपने इतना कष्ट मेरे लिए कैसे झेल लिया, आपने, आपको क्या आवश्यकता थी, मेरा पूरा जीवन विफल हो गया, मैंने जन्म लिया आपकी सेवा करने के लिए और मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, धिक्कार है मेरे जन्म पर। और अचेतन हो गए हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु ने कहा उठो उठो और मुझसे वर मांगो, वे क्या चाहिए, जो भी वांछनीय वस्तु है वो मुझसे तुम मांग लो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप मुझे सिर्फ एक ही वरदान दीजिए
कि मैं जन्म जन्मांतर तक क्या वरदान मांगा होगा, आप में से कोई बता सकता है? नहीं भक्ति मांगी, हाँ सेवा भी नहीं मांगी, हाँ। सो हरिदास ठाकुर ने बोला कि आप मुझे एक ही वस्तु प्रदान कीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर जहां भी मेरा जन्म है मुझे आपके भक्तों का उच्चिष्ट खाने को मिले, मुझे सिर्फ आप यही वरदान दीजिए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त, भक्त भुक्त उच्चिष्ट तीन तीन महाबल, भक्त भक्तों की चरण रज और भक्तों का चरणामृत, और जो भक्तों का उच्चिष्ट है महाप्रसाद, इन तीनों में बहुत शक्ति है। कृष्ण भक्ति प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम है। फिर हरिदास ठाकुर ने बोला नहीं नहीं ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने क्या कह दिया, मेरी मेरी योग्यता नहीं है ये मांगने के लिए, ये मैंने क्या बोल दिया। कुछ मांगने से पहले योग्यता देखनी चाहिए, मेरी योग्यता नहीं है पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। हरिदास ठाकुर हम लोग सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें ये सुविधा भी मिलनी चाहिए थी, हमें वो सुविधा भी मिलनी चाहिए थी। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि उच्चिष्ट लेने की भी मेरी योग्यता नहीं है, उच्चिष्ट लेने की योग्यता तो बहुत ही महान भक्तों की होती है, जैसे झड़ू ठाकुर है। झड़ू ठाकुर ऐसे वैष्णव थे, वो अपने भक्तों को भक्तों को बुलाते थे अपने घर में, वो और उनकी पत्नी, और उनको प्रसाद अर्पण करते थे, और उनके जाने के बाद वैष्णव के सामने से प्रसाद कैसे लेंगे, तो जब वैष्णव अपनी जो पत्तल थी उसको कूड़े में फेंक देते थे तो जाके उस कूड़े में से उनका उच्चिष्ट लेके खाते थे झड़ू ठाकुर। और अगर कोई वैष्णव बिल्कुल पत्तल एकदम साफ कर देता था तो झड़ू ठाकुर उनको आम खिलाते थे। आम में आप सब कुछ खा जाओगे, गुठली कैसे खाओगे? नहीं, गुठली नहीं खा सकते। झड़ू ठाकुर और उनकी पत्नी कूड़े के ढेर में से वो गुठली लेकर उसको चूसते थे। भक्तों का उच्चिष्ट प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ बात है, बहुत ही दुर्लभ बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब प्रसाद ग्रहण करते थे तो जो बच जाता था तो उनके शिष्य आपस में बांटते थे, तो चैतन्य महाप्रभु चेक करते थे जाके किसने क्या खाया है, किसने क्या खाया है। और अगर कोई भक्त चैतन्य महाप्रभु, जैसे सांबर में एक वो स्टिक पड़ती है, क्या कहते हैं उसको, ड्रम स्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ वो लंबी सी डंडी होती है, हाँ ओके फाइन, आप समझ गए ना आप लोग,
है ना, उसको आप खा नहीं सकते, उसको चूस सकते हैं, है ना, चूसा जाता है उसको। तो उनको भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर को बहुत पसंद थी वो, हाँ। तो वो जब उसको चूस के चूस लिया, उसको रख दिया, तो देखते थे वो जो चूसी हुई वो डंडी है वो किस भक्त ने ग्रहण की है। वही भक्त की प्रसाद में श्रद्धा है, वही भक्त की महाप्रसाद में श्रद्धा है। महाप्रसाद का मतलब रसमलाई नहीं होता, वो भी है, लेकिन श्रद्धा है तो वो जो स्वादिष्ट, भौतिक दृष्टि से जो स्वादिष्ट लग रही है वो वस्तु दूसरे भक्तों को दो, आपका अधिकार नहीं है लेने के लिए। जो त्याज्य वस्तु है भौतिक दृष्टि से, जो कोई नहीं लेगा, उसको ग्रहण करो, उसको प्रणाम करो, उसका सम्मान करो, उसको ग्रहण करो। तो सोचा जा सकता है कि हमारे प्रसाद में श्रद्धा है। और जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त में कह रहे हैं, भालो ना खाबो और भालो ना परिबो, अच्छा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अच्छा प्रसाद किसके लिए है? अच्छा भोजन विष्णु और विष्णु भक्तों के लिए है। तो क्या मैं विष्णु भक्त, क्या मैं वैष्णव नहीं हूं, क्या मैं कृष्ण भक्त नहीं हूं? नहीं, मैं कृष्ण भक्त नहीं हूं, मैं इस प्रसाद को ग्रहण करने के योग्य नहीं हूं। ये जो स्वादिष्ट प्रसाद है ये अच्छे भक्तों को लेना चाहिए, हाँ। तो अगर कभी प्रसाद मिले तो पहले दूसरे भक्तों को अर्पित करो, कुछ बच जाए तो ग्रहण करो, हाँ। नहीं तो उनकी पत्तल साफ करके वही ग्रहण करो, वो उसमें जीवन की सफलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जबरदस्ती दूसरे भक्तों के प्लेट में से उठा के खाना शुरू कर दो, ऐसा ऐसा भी नहीं है, हाँ। उनकी अनुमति से, हाँ। जैसे नारद जी ने जब पिछले जन्म में जब वो दासी पुत्र थे तो उनके वहां पे वैष्णव आके रुके, तो उनकी अनुमति से नारद जी ने उच्छिष्ट ग्रहण किया, जबरदस्ती ग्रहण नहीं किया। और वो उच्छिष्ट की कृपा से, उस महाप्रसाद की कृपा से नारद मुनि बने। सो जो भक्तों की चरण रज है, हाँ, भक्तों की चरणामृत और भक्तों का उच्छिष्ट, हाँ, हमें सदैव ललायत रहना चाहिए उसको ग्रहण करने के लिए, हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन पे कृपा की, हरिदास ठाकुर पे, और उनको ये वरदान दिया कि आप जन्म जन्मांतर तक, हाँ, आप जहां भी रहेंगे आपको वैष्णव उच्छिष्ट हमेशा उपलब्ध रहेगा आपको, है ना। हरिदास ठाकुर की जय। चैतन्य महाप्रभु ने गंगादास को बुलाया, उनको बोला कि तुम्हें याद है कि एक बार यवन राजा तुम्हारे पीछे पड़ गया था, हाँ, और तुम अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए आधी रात को अपना घर छोड़ के भागे थे अपने परिवार समेत। तो तुम नदी के किनारे आए, नदी पार करने के लिए तुम्हें कुछ नौका नहीं मिली, पूरी रात तुम ढूंढते रहे, नदी पार करने का साधन नहीं मिला, सुबह हो गई, तुमने सोचा अब सम्मान की रक्षा करने का कुछ उपाय नहीं है, मैं अब गंगा में कूद कर परिवार समेत अपनी जान दे दूंगा। अरे मुझे आना पड़ा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए, मैं नाविक बन के आया और मैं नौका लेकर आया और तुम्हें मैंने नदी पार कराई।
ये तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। तो गंगादास एकदम बेसुध हो गया और जमीन पर लौटने लग गए। तो ये भक्ति ऐसी वस्तु है जिससे भगवान को वशीभूत किया जा सकता है। भक्त भगवान को वशीभूत करने के लिए भक्ति नहीं करता। ऐसा नहीं है कि चल बेटा लग जा काम पे, मैंने भक्ति किया है। भक्त भगवान की अधिक से अधिक सेवा करने के लिए भक्ति करता है, लेकिन भगवान इतने विवल हो जाते हैं प्रतिकार करने के लिए कि भगवान खुद ही, भगवान किसी और को नहीं भेजते, भगवान किसी और को नहीं भेजते, भगवान खुद ही आ जाते हैं, भगवान खुद ही आ जाते हैं कि और किसी को, और कोई ठीक से नहीं कर पाएगा। जो मेरी आसक्ति है, जो मेरा प्रेम है अपने भक्त से, और किसी का कैसे होगा। हो सकता है दूसरा व्यक्ति अनमने ढंग से करे। भगवान किसी पर भरोसा नहीं करते। भगवान कहते हैं भैया मैं खुद ही करूंगा ये काम। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयम्। थोड़ी सी भी सेवा की भगवान ऋणी बन जाते हैं। अब भगवान ये सोचते हैं कि कैसे मैं प्रतिकार करूं, कैसे मैं अपने जो भक्त है उसको किस प्रकार से उसको सुख प्रदान करूं, है ना। यही होली है। होली के पीछे आज लोग होली मनाएंगे, पूरा हिंदुस्तान, पूरे संसार में लोग होली मनाएंगे। लेकिन होली क्या है? होली है कि जो ब्रजवासी हैं, जो गोपियां हैं, वो भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर रही हैं। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके साथ में रंग खेल रही है कि भगवान कृष्ण को अच्छा लगेगा और भगवान कृष्ण उनके साथ में उनकी भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। भगवान बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और उसी प्रसन्नता में ऋषिकेश, ऋषिकेण ऋषिकेश, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना, ये होली है। होली ये नहीं है एक दूसरे को रंग लगा के और उल्टे सीधे काम करना। होली का मतलब है कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, जैसे ब्रजवासी कर रहे थे। अगर हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो आपकी क्या बात है, आपके घर के कुत्ते नौकर उन सब का भी कल्याण हो जाएगा। शिवानंद सेन एक कुत्ते की देखभाल कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने उसको भी अपना उच्चिष्ट दिया और वो कुत्ता अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आंखों से आंसू बह रहे हैं उसके, और जोर जोर से हरि नाम कर रहा है और भगवत धाम चला गया। शिवास पंडित के घर में एक नौकरानी थी, उसका नाम था दुखी। जब इस महाप्रकाश लीला के दौरान चैतन्य महाप्रभु ने उसको बुलाया, वो भाग भाग के जा रही थी और नदी से पानी भर के ला रही थी चैतन्य महाप्रभु के अभिषेक के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको बुलाया और उसको बोला कि आज से तुम्हारा नाम दुखी नहीं है, आज से तुम्हारा नाम सुखी है। और वो एकदम भावावेश में, प्रेम के भाव में आकर वो नृत्य करने लगी। तो ऐसा नहीं है कि
भगवान सिर्फ आप ही पर कृपा करेंगे, भगवान आपके परिवार पर, आपके घर की हर जीव पर भगवान कृपा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए धन संपत्ति इकट्ठे करते हैं, नाते विदु स्वार्थ गतिम है विष्णु, उनको नहीं पता कि सबसे ज्यादा कल्याण किसमें है। हमारे परिवार का कल्याण धन संपत्ति इकट्ठा करने में नहीं है, हमारे परिवार का कल्याण जो स्वार्थ है हमारा, जो सर्वोच्च स्वार्थ है, वो कृष्ण भक्ति करने में, गौर भक्ति करने में है, नित्यानंद प्रभु की शरण लेने में है। अगर हम अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, अगर हमें अपने परिवार से आसक्ति है, तो कृष्ण भक्ति करो, गौर निताय की शरण लो। गौर निताय की शरण, कृष्ण भक्ति। अगर आपके परिवार के लोग भक्ति में नहीं जुड़े, फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग आते हैं बोलते हैं कि हमारे परिवार वाले भक्ति में नहीं जुड़े, क्या फर्क पड़ता है, आप अच्छे से भक्ति करो। अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे, आपके परिवार के सारे लोगों का भगवान स्वयं स्वतः आपके बिना मांगे भगवान कल्याण कर देंगे। सो अपने परिवार के लिए धन संचित मत करो, अपने परिवार के लिए भक्ति संचित करो, अपने परिवार के लिए अच्छे से हरिनाम लो, भगवान में आसक्ति बढ़ाओ। अगर भगवान में आसक्ति होगी तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर, शिवास पंडित की नौकरानी तक पर, दासी तक पर कृपा की, उसी प्रकार भगवान आपके परिवार पर भी कृपा करेंगे, चाहे वे स्वयं भक्ति में नहीं भी जुड़े हों। ठीक है, और बात करें, यहाँ लेट हो रहे हो आप लोग, हाँ कभी मौका मिलेगा, नहीं लेट तो नहीं हो रहे आप लोग। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जाओ जाकर श्रीधर को लेकर आओ, जाओ उसको ढूंढो, वो नगर के कोने पर उसका निवास स्थान है, जाओ जाकर उसको लेकर आओ। कौन श्रीधर? वो जो केले केला बेचता है, उसका नाम ही रख दिया था खोला बेचा श्रीधर। बोला जाओ जाकर उसको पकड़ के लेके आओ, सामने नहीं भी आएगा कोई, भगवान सामने जाके उसको दर्शन देते हैं। हरिदास ठाकुर अपने आप को यवन समझते थे, हाँ रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कभी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, बोलते थे कि हम लोग यवनों से भी गिरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग यवन के नौकर हैं, नवाब हुसैन शाह की नौकरी कर रहे हैं, जिसने इतना प्रताड़ित किया जो भगवान के भक्तों को, हम उसी की नौकरी में लगे हुए हैं, हमारी क्या हिम्मत, हमारी क्या योग्यता कि हम जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाएं। वो दूर से चक्र देखकर ही प्रणाम कर लेते थे। और चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि वो इतनी विनम्रता के कारण, हालांकि भारद्वाज वंश में उनका जन्म हुआ था, रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का, लेकिन अपने आप को यवनों से भी नीच समझते थे। तो वो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए नहीं जाते थे, बल्कि जगन्नाथ स्वयं उनको दर्शन देने के लिए आते थे। चैतन्य महाप्रभु रोज जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद रोज हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आते थे, रोज, और महाप्रसाद लेके आते थे।
तो हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी वो नहीं जा रहे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, जगन्नाथ स्वयं उनको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, है ना। इसीलिए हमें कभी भी भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन के लिए लालायित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है सब भक्तों को हटा के पीछे हटो पीछे हटो, खुद जाके सबसे आगे भगवान के दर्शन करो, बेकार बात है। चैतन्य महाप्रभु जब भगवान के जगन्नाथ के दर्शन करते थे तो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर दर्शन करते थे और आंखों से इतना अश्रु बहते थे उनके कि तालाब वहां पे भर जाता था, गड्ढा भर जाता था। चैतन्य महाप्रभु सोचते थे मेरी क्या हिम्मत है कि मैं आगे जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करूं। तो वो जगन्नाथ जी के प्रिय सेवक गरुड़ जी के पीछे खड़े रहकर भगवान के दर्शन करते थे कि जगन्नाथ जी मुझे तो कदापि नहीं देखेंगे, लेकिन अवश्य अपने भक्त और अपने प्रिय सेवक गरुड़ पर उनकी दृष्टि अवश्य पड़ेगी, अवश्य दृष्टिपात करेंगे। और हो सकता है जब वो गरुड़ जी को देखें तो हो सकता है मुझे भी देखे। तो इसलिए हमें बिल्कुल रेलिंग तोड़ के भगवान के ऑल्टर में घुस के भगवान के दर्शन करने से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पीछे खड़े रहकर किसी भी भक्त को असुविधा नहीं होनी चाहिए आपसे, किसी भी भक्त के सामने नहीं आने चाहिए आप। ऐसा नहीं हो कि कोई भक्त बहुत उत्सुकता से भगवान का दर्शन कर रहा है, आप सामने हिमालय पर्वत की तरह खड़े हो गए, वो देख ही नहीं पा रहा भगवान को। हमारा भगवान के सामने जाके दर्शन करने का कुछ योग्यता नहीं है। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए सबसे पीछे रहकर भगवान के दर्शन करें। और दर्शन क्या करने हैं, क्या हम भगवान को देख सकते हैं क्या? भगवान अधोक्षज है, भगवान को हम अपनी इस भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। भगवान के दर्शन करने का मतलब है अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत करना। और बहुत ही शर्म महसूस करना, ये सोचना कि कितने गंदे हैं हम, हमारा हमारे मन में कितना गंद भरा हुआ है। हमें भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान हमें और हमारे मन में भरे हुए गंदगी को भगवान देखेंगे, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। हमें संकोच होना चाहिए भगवान के सामने जाने में। हमें ऐसा नहीं कि सबको हटा के सबके आगे जाओ, अच्छी भावना नहीं है। अच्छा है, उत्सुकता है दूसरे भक्त, ऐसा सोचना चाहिए कि दूसरे भक्त श्रेष्ठ हैं। जो भक्त आगे बढ़ के भगवान के दर्शन कर रहे हैं उनमें योग्यता है, लेकिन मुझ में नहीं है। अपने बारे में सबको पता है, नहीं क्या आपको अपने बारे में नहीं पता? क्या आपको नहीं पता कि आपके मन में कितनी भोग वासना भरी हुई है? इतनी भोग वासना हिमालय पर्वत भी राई के समान लगेगा उसके सामने, इतनी भोग वासना है। वो लेकर उसका बोझ अपने कंधे पर उठाकर कैसे भगवान के सामने जाए? शर्मिंदगी संकोच होना चाहिए। जब रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पहली बार दर्शन करने के लिए गए तो बोल रहे थे कि दूर से ही खड़े होकर सामने भी नहीं आए, अपने गले में एक पट्टा उन्होंने बांध दिया, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा बंधा होता है
अपने गले में पट्टा बांध के और अपने दांतों में तिनका दबाकर। अगर दांतों में तिनका दबाना दीनता की निशानी है, अगर आप दांतों में तिनका दबाएंगे तो क्या आप ऊंचे से बोल पाएंगे? बोल ही नहीं पाएंगे, चुप करके खड़े रहेंगे, क्योंकि जैसे ही बोलेंगे तिनका गिर जाएगा। नहीं, तो दीनता की निशानी है दांतों में तिनका दबाना। दंते तृण धरी। तो रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपने गले में पट्टा बांधकर एक कुत्ते की तरह अपने दांतों में तिनका दबाकर दूर से प्रणाम कर रहे हैं, इधर आओ इधर आओ। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, नहीं हम नहीं आ सकते, हमें शर्म आती है आपके सामने आने में, कितने पाप कर रखे हैं हमने और अभी भी हमारी वृत्ति पाप में ही लिप्त है, ऐसी चेतना लेके कैसे आपके सामने आ जाए? नहीं नहीं, इतनी दीनता मत दिखाओ, मेरा हृदय फट रहा है तुम्हारे दीनता देखे। फाटे मोरा मन। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, इतनी दीनता मत दिखाओ, मेरा हृदय फटा जा रहा है, बंद करो दीनता, ये मैं सह नहीं पा रहा तुम्हारी इतनी दीनता। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त की दीनता से प्रसन्न होते हैं, उसकी उपलब्धि से प्रसन्न नहीं होते। भक्त की उपलब्धि है दीनता का वरण, दीनता को अपने हृदय में बसाना। तो सारे भक्त दौड़ के गए और कोलावेचा श्रीधर को लेकर आए, चलो चलो तुम्हें निमाई पंडित बुला रहे हैं। और कोलावेचा श्रीधर फटाफट भाग कर गए चैतन्य महाप्रभु के अपने स्वामी के दर्शन के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें याद है कि मैं रोज तुम्हारे घर आता था और मैं तुमसे मोल भाव करता था, तुमसे लड़ाई करता था। चैतन्य महाप्रभु जाते थे और बोलते थे, ये केले के पत्ते के दोने बनाए, उसका तना है, केला है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, कितने का है? और जो कोला विचार श्रीधर है, युधिष्ठिर के समान सत्यवादी है। तो कोला विचार श्रीधर फॉर एग्जाम्पल वो कहते थे, एक पैसे का है, क्या लूट रहे हो तुम? ये तो आधे पैसे का इसका कीमत है, दूसरे लोग कम भाव में बेच रहे हैं, तुम मुझे लूटना चाहते हो, तो जहां से सस्ता मिल रहा है वहां से ले लो। नहीं, मैं तो रोज तुम्हें से लेता हूं, तुम्हें से लूंगा, मैं क्यों कहीं जाऊं, मैं क्यों परिश्रम करूं? तुम्हारा काम है मुझे सामान देना, मैं हमेशा तुम्हीं से सामान लेता रहा हूं, आज भी तुम्हीं से सामान लेके जाऊंगा। नहीं नहीं, इतने कम भाव में पड़ता नहीं खा रहा मेरे को, मैं नहीं दे सकता, मना कर रहे हैं, जबरदस्ती छीन लिया, जबरदस्ती उसके हाथ से छीन लिया, श्रीधर के हाथ से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुझे पता है तुमने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है, कहां इकट्ठा कर रखा है, छत टूटी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, खाने को बराबर से नहीं मिलता, तो तुम जिस गंगा की सेवा में आधे पैसे लगा रहे हो, वो पैसे मत लगाओ, वो पैसे मेरी सेवा में लगाओ। क्यों? क्योंकि मैं गंगा का पिता हूं, मेरे चरणों को छूकर गंगा निकली है, इसीलिए गंगा सबसे पवित्र है। विष्णु विष्णु क्या बोल रहे हो, इतने उदंड हो तुम, गंगा को कह रहे हो जो त्रिलोकी को, तीन लोकों को का उद्धार करने वाली है, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे चरणों को छू के निकली है, तुम उसके पिता हो, उसके स्वामी हो।
विष्णु विष्णु ये क्या बोल रहे हो, इतने उदंड हो तुम। लेकिन उनके सौंदर्य को देखकर, महाप्रभु के सौंदर्य को देखकर वो उनसे लड़ाई नहीं करते थे, हार मान लेते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु देखते थे कि ये चुप है, तो बिना पैसे दिए ही उसका सामान लेके भाग जाते थे, बिना पैसे दिए। और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कोलावचा श्रीधर को बोला कि कोलावचा श्रीधर ने अपने घर की छत पे एक सीताफल उगाया हुआ था। आप आज भी पश्चिम बंगाल में जाओ, वहां पे गांवों में देखो, लोग अपने घरों की छतों पर ये सीताफल उगाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाओ ताकि वो लेके आओ। और अपनी माता शची माता को बोला कि इससे पकवान बनाओ, मैं ये पकवान खाऊंगा। सामने से मांग कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं सोच रहे, ऐसा नहीं सोच रहे। यो में भक्त्या प्रच्छति, आप भक्त हो, आपने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, अब अर्पण करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप जबरदस्ती ले लूंगा। सो चैतन्य महाप्रभु ने कहा याद है तुम्हें कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे से सामान छीन के लेके जाता था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरी स्तुति करो। तो उन्होंने बोला मैं कैसे स्तुति करूं, मैं तो मूर्ख हूं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो भक्ति है वो किसी के वंश पर, किसी के पांडित्य पर, किसी की सुंदरता पर और किसी के धन पर आश्रित नहीं होती। भक्ति भक्ति पर आश्रित है, भक्ति दीनता पर आश्रित है, भक्ति विनम्रता पर आश्रित है। भगवान को आप अपने धन से पांडित्य से वश में नहीं कर सकते, भगवान को वश में करना है तो दीनता दिखानी पड़ेगी, भगवान की निष्किंचन भाव से, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तो हम भगवान को वशीभूत कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन पे कृपा की और सरस्वती को उनकी जीवा पर स्थापित कर दिया। और आप चैतन्य भागवत पढ़ो, क्या उन्होंने स्तुति की है चैतन्य महाप्रभु की, इतनी सुंदर स्तुति की है उन्होंने। चैतन्य भागवत मध्य खंड के 9वें अध्याय में उनकी स्तुति, श्रीधर की स्तुति दे रखी है, बहुत ही पठनीय है और हमें अवश्य पढ़ने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि प्रदान करना चाहता हूं। नहीं चाहिए, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो श्रीधर ने कहा कि जो ब्राह्मण रोज मुझसे आकर लड़ता था और मेरा सामान जबरदस्ती छीन कर लेके जाता था, आप ऐसी कृपा करो कि मैं जन्म जन्मांतर हमेशा उस ब्राह्मण की छवि मेरे हृदय में स्थापित रहे, मैं कभी उसको नहीं भूलूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। चैतन्य महाप्रभु ने और भी बहुत सारे भक्तों को तैयार किए,
लेकिन एक व्यक्ति पर दया नहीं की चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त है मुकुंद दत्त, भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, महाप्रभु आपने सब पे कृपा कर दी, सबको बुला बुला कर आपने अपनी पद धूली दी। चैतन्य महाप्रभु अपने चरण कमल भक्तों के सिर पर रख रहे थे। भक्तों ने कहा आपने बुला बुला कर सब पे कृपा की, मुकुंद दत्त पे भी कृपा कर दीजिए प्लीज। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस पे कभी कृपा नहीं करूंगा, इस पे कभी कृपा नहीं करूंगा, ये भक्तों के साथ आता है तो भगवान की जय जयकार बोलता है, कहीं और जाता है तो उनकी मायावाद की बात करना शुरू कर देता है, मेरी पीठ में छुरा भोंक रहा है, मेरी पीठ लहूलुहान कर दी। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की रक्षा के लिए भी पीठ लहूलुहान हो गई, लेकिन अच्छा लग रहा है उनको। लेकिन मुकुंद दत्त उनके मायावादी रूपी जो चाकू है उससे चैतन्य महाप्रभु अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। दोनों परिस्थिति में चैतन्य महाप्रभु की पीठ से खून बह रहा है, लेकिन एक में उनको अच्छा लग रहा है और एक में उनको खराब लग रहा है। जैसे भीष्म पितामह जब तीर चला रहे थे तो अर्जुन भी घायल हो रहे थे और कृष्ण भी घायल हो रहे थे, तो भगवान कृष्ण को बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था उन जख्मों से। और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण उसी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे जिस तरह एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में समय बिताते समय जिस प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, वही प्रसन्नता भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के तीरों से बने जख्मों से अनुभव कर रहे थे। भीष्म पितामह की ये मुकुंद दत्त को मैं कभी कृपा नहीं दूंगा। तो श्रीवास पंडित ने बोला प्लीज आप तो पतित पावन हो, आप प्लीज कृपा कीजिए। मुकुंद दत्त ने बोला श्रीवास पंडित को आप प्लीज भगवान को बोलिए कि मैं आगे से कभी भगवत विद्वेषी संग नहीं करूंगा, अब भक्तों का संग कभी नहीं करूंगा मैं, आप प्लीज उनको बोलो कि मुझ पर कृपा करें। तो श्रीवास पंडित ने बोला कि मुकुंद दत्त वचन दे रहा है कि कभी अभक्तों का संग नहीं करेगा। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि भक्त की परिभाषा कौन सी है, एक भक्त की क्या परिभाषा है, जो भक्त है कभी भी अभक्तों का संग नहीं करता। जो अभक्तों का संग कर रहा है उसको वैष्णव नहीं कहा जा सकता, है ना। तो वैष्णव वही है जो अभक्तों का संग त्याग देता है। सुचैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है तुम कहते हो तो मैं इस पर कृपा करूंगा, लेकिन इसको बोलो कि मैं 1 करोड़ जन्मों के बाद इसको दर्शन दूंगा। ये सुनकर सारे भक्त बहुत निराश हो गए, सबने सोचा इतनी बड़ी सजा 1 करोड़ जन्म तो बहुत ही बुझे हुए मन के साथ मुकुंद दत्त के पास गए। तो मुकुंद दत्त ने बोला क्या बोला भगवान ने, तो भक्तों ने कहा कि वो भगवान कह रहे हैं कि
वे तुम्हें दर्शन देंगे 1 करोड़ जन्मों के बाद। यह सुनते ही मुकुंद दत्त ने नाचना शुरू कर दिया जोर जोर से। सब कह रहे हो क्या कर रहे हो, 1 करोड़ जन्म के बाद दर्शन देंगे। भगवान ने निश्चित तो कर दिया समय, 1 करोड़ जन्म यूं पलक झपकते बीत जाएंगे। भगवान ने समय निश्चित कर दिया, मेरा कल्याण होना निश्चित है, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना, चैतन्य महाप्रभु ने कहा बुलाओ मुकुंद को, और चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद को अपने सामने बुलाया और उसके सिर पर अपने चरण कमल रखकर उसको तुरंत कृपा प्रदान की, चैतन्य महाप्रभु की। सो चैतन्य महाप्रभु ने कई बार, जैसे हमने कहा कि सावधानी को ताक पर रखकर अपने भक्तों के विरह को शमित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने ऐश्वर्यपूर्ण रूप का प्रदर्शन किया। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना षडभुज ऐश्वर्य दिखाया, उनको भगवान राम, भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु तीनों जो भगवान के स्वरूप हैं, उनको एक ही स्वरूप में षडभुज रूप में सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने दर्शन दिए। प्रकाश आनंद सरस्वती को चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ब्रह्म ज्योति का दर्शन कराया। ये यथा मांग प्रपत्ति थे जिस भाव से लोग, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती भी मायावादी था और सार्वभौम भट्टाचार्य भी मायावादी था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को ब्रह्म ज्योति और सार्वभौम भट्टाचार्य को षडभुज रूप क्यों दिखाया, ये भेदभाव क्यों किया? वो भेदभाव नहीं है, वास्तव में सार्वभौम भट्टाचार्य पर चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा की, क्योंकि वो गोपीनाथ आचार्य के बहनों ही हैं और गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त हैं। और जैसा चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं है कि केवल भक्तों पर ही कृपा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु भक्त के परिवार वालों पर भी कृपा करते हैं। तो क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के बहनोई थे, उनके प्रिय थे, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन पर विशेष कृपा की, है ना। तो हम सब का कर्तव्य, हमें सामने से प्रयास करना चाहिए अपने अहंकार को, अपने मतभेदों को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक तरफ रखकर हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भगवान के भक्तों की सेवा में जुड़े, क्योंकि भगवत भक्तों की कृपा से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सब